सो गाइस, फ्रैंकलिन और भाई लेस्टर और माइकल तीनों यहाँ पे एक जगह पे इकट्ठे हो चुके हैं। भाई ये क्यों इकट्ठे हुए हैं मैं बताता हूँ तुमको। लास्ट टाइम भाई हमने एक हिस्ट की थी भाई, एक रॉबरी की थी, उसका जो भी पैसा था ना भाई, ट्रेवर सारा लेके भाग गया भाई। वो अंडरग्राउंड था, हमको नहीं पता था कहाँ है, हमको पता नहीं क्या लग रहा था कि क्या हुआ। हमको लगा शायद वो पकड़ा गया या क्या हुआ, हमको कुछ भी आइडिया नहीं था। उसकी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग थी प्रॉपरली, तो भाई वो हमको पता नहीं था। बट अभी लेस्टर ने भाई उसके बारे में सारी चीज़ें ढूंढी, उसको पता किया, उसके बारे में पता किया, उसको ढूंढा, पता पड़ा कि भाई वो सारा पैसा लेके भागा है और भाई वो अपना खुद का एक बिज़नेस सेटअप करके बैठा है इस गांव में अंदर। तो भाई लेस्टर, हम तीनों उसको पकड़ने के लिए आ चुके भाई। तो भाई लेस्टर ने हमको बोला था कि भाई, माइकल को बोला कि भाई ये जो गाड़ी है ना तुम्हारी, ये यहाँ पे कहीं पे छुपा दे, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि ये वाली गाड़ी भी हमने वहीं से उठाई थी, क्योंकि हमारे पास तो भाई इतना भी पैसा नहीं कि हम ये गाड़ी वाड़ी उठा सके और सब ले सके। बाकी लेस्टर बता रहा था कि उसने गाड़ी भी ले ली है, उसका प्रॉपरली उसने बिजनेस सेटअप किया, काफ़ी अच्छा खर्चा कर रखा है भाई। तो भाई हमको यहाँ पे गाड़ी दिखी थी ऑडी भाई, काफ़ी प्यारी गाड़ी है R8। तो एक काम करते हम इसको उठाते यहाँ से, यहाँ से चल देते, ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लेते भाई, यहाँ कोई है नहीं बंदा, ठीक है, फटाफट इस गाड़ी को उठाते यहाँ से चलते, ठीक है। तो भाई अभी लेस्टर फिर बोल रहा है कि भाई तेरी गाड़ी है ना, तो यहाँ से कहीं और रख के आ, क्योंकि भाई पुलिस का हमको चेक करनी चाहिए, हमारी एवरेज भी चोरी की है, तो ये गाड़ी भी हम चुरा के जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो एक काम करते फटाफट, मैं क्या करता हूँ, गाड़ी मैं और फ्रैंकलिन दोनों वहाँ पे पीछे की साइड कहीं पार्क करके आ जाते, लेस्टर यहीं पे ही है, ठीक है, लेस्टर गाड़ी का ध्यान रख रहा है, जब तक हम इसको पार्क करके आते हैं वहाँ पे, और फिर वहाँ पे से बैठ के सीधे भाई ट्रावर के जो भी भाई उसका बिजनेस आपस में कर रखा ना, वैसे बता रहा था जिसके क्लिकर शॉप थी उसके फ्रेंड की, वहीं पे उसने सारी चीज़ें सेटअप कर रखी है। तो वहीं पे चलते फटाफट और देखते क्या है, ठीक है। इस बंदे को मैं बोल देता हूँ भाई कि आप इस गाड़ी का ध्यान रखना, ठीक है। तो हम आते हैं फ्रैंकलिन और मैं दोनों भाई फटाफट वहाँ चलते, और भाई बहुत ही तगड़ा सीन होने वाला है भाई, इसको छोड़ेंगे नहीं। बाकी प्लास्टर बता रहा था भाई उसके पास सिक्योरिटी अभी अच्छी खासी उसने लगा रखी, पैसा खर्चा कर रखा भाई, बहुत ही दिक्कत होने के भाई ये करके आ रहा है भाई लेस्टर। ओके लेस्टर बैठ गया अपना आगे, फ्रैंकलिन वहीं रहेगा यार, शिट फ्रैंकलिन बोला, फ्रैंकलिन आ गया होगा भाई, वो वहीं बातें करने बैठ गया उस बंदे के साथ। फटाफट चलते उसके पास, उसको बिठाते हुए यहाँ से निकलते, प्रॉपरली डिटेल में बता दी कि भाई कैसे क्या वहाँ पे सिनेरियो है, ठीक है। उसने भी सैटेलाइट्स के थ्रू उसके जो जासूस थे ना, खबरी वाले सीक्रेट वाले, उनके थ्रू, स्पाई के थ्रू उसने बताया भाई कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, बट पूरी डिटेल्ड भी हमको एकदम से नहीं पता, वहाँ जाके हम खुद ही देखेंगे। तो ओके ओके गाइस, यहीं ओके तुमको ओके दिख रहा है तुमको भाई, वहाँ पे वो बंदा भाई, वहाँ पे कुछ उसकी मीटिंग वगैरह चल रही है शायद किसी के साथ भाई। ओके अच्छा, वहाँ भाई दूसरी गाड़ी में आए, क्योंकि हमारी गाड़ी पहचान जाता ना तो भाई हमको दिक्कत हो जाती, ठीक है। उसको ये गाड़ी तो उसके लिए एकदम अननोन है भाई, कौन सी गाड़ी कहाँ से है क्या है उसको भी नहीं पता, क्योंकि रोड पे बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है, उसको कोई आइडिया नहीं होगा कि भाई हम लोग है। उससे ग्लास भी पूरा टिंट है, एकदम ब्लैक है भाई। उस शिट 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 भाई, उसके बंदे ने हमको देख लिया भाई, उसने फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया हमारे ऊपर। वेट किधर हो गई भाई, तो इस तरह की स्टोरी वगैरह तुम भी बना सकते हो अपनी खुद की। तो भाई ये मोड इंस्टॉल करो, काफ़ी तगड़े से मतलब अच्छे से करो, ठीक है। इतना अच्छा तो नहीं था बट ट्राई किया था मैंने, ठीक है। सो पूरा मोड इंस्टॉल करने के लिए पूरा वीडियो देखना, काफ़ी बढ़िया तरीके से तुम उसको इंस्टॉल करके खुद की वीडियो वगैरह बना सकते हो, स्टोरी वगैरह। ओके हाय गाइस, वेलकम बैक, हो गया फिर आपका अपने गेमिंग गाड़ा में। सो भाई लोग, आज अपन अपने GT5 के ड्राइवर का एक बिजनेस ओपन करने वाले भाई। काफ़ी तगड़ा सा बिजनेस है, तुम लोग इमेजेस में देख रहे हो, काफ़ी बढ़िया सा बिजनेस है। यहाँ पे काफ़ी सारे सिक्योरिटी भी है, उसकी पूरा सिनेरियो सेटअप हो जाएगा, एक मोड इंस्टॉल में पूरा सिनेरियो सेटअप हो जाएगा। तुम अपनी जो भी स्टोरी बनाना चाहते हो उसको रिलेट करके काफ़ी बढ़िया तरीके से बना सकते हो, काफ़ी मज़ा आ जाएगा, ठीक है। सो तुम देख रहे हो प्रॉपरली पूरा सेटअप है भाई, एक अंदर छोटे से घर के अंदर, ठीक है। सो अपन इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे देखेंगे, ठीक है। ट्रेवर बिजनेस मेन्यू है, तो भाई ये जो है ये आपको इंस्टॉल करने से पहले, अगर आपने GT5 का कोई बेस क्रिएट नहीं किया है, कोई बेस मोड नहीं डाला है, तो आपको बेस मोड डालना पड़ेगा। उसके लिए वीडियो चेकआउट कर लेना, स्क्रीन पर दिख रही होगी, ठीक है। इसके अंदर आपको मेन्यू, ओपन आईवी एंड स्क्रिप्ट हुक भी .NET UI, ये कुछ बेसिक से मोड्स आपको डालने पड़ेंगे। इसके बाद आप कोई से भी मोड डाल सकते हो इजीली, ठीक है। तो ये मेन्यू के थ्री होगा, अगर पहली बार कोई मोड का वीडियो देख रहे हो तो आपको ये इंस्टॉल करना जरूरी है, और जिन लोगों ने ऑलरेडी करा है उनको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, मैंने भी ये डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। सो
इसको इंस्टॉल करने के पहले तो मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे काफ़ी सारे तगड़े मोड्स के वीडियो मिल जाएंगे जी टी फाइव के रिलेटेड, अराउंड 400 कुछ वीडियोज़ है, ठीक है। सो यहाँ पे काफ़ी सारे मोड्स के वीडियो है, तुम देखो अपने जी टी फाइव के अंदर डालो, रिलेट करके काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरी बना सकते हो, ठीक है। जो रिसेंटली मैंने 3 मोड्स के वीडियो डाले उनको रिलेट करके काफ़ी बढ़िया बढ़िया स्टोरी बन जाएगी। एक्चुअली मेरे दिमाग में भी काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज आ रही है, ठीक है। तो तुम पूरा नीचे तक चेक करना, काफ़ी सारी वीडियोज़ है, प्लेलिस्ट बनी हुई, एंटरटेनमेंट का कुछ वीडियोज़ है, वो भी चेकआउट करना, ठीक है। और अच्छा लगे और हेल्प लगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। सो फटाफट इसको अपन इंस्टॉल कर लेते हैं। मैंने मेरा डाउनलोड फोल्डर ओपन कर लिया है, ठीक है। अब तुमको यहाँ पे दिख रहा है रा फॉर्मेट है, तो इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करूँगा तो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके इसमें ऐसा फोल्डर नहीं दिख रहा, मतलब बुक जैसा नहीं दिख रहा, रार फॉर्मेट नहीं है, या फोल्डर के ऊपर जिप जैसा नहीं है, 7-Zip नहीं है, तो आपको दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेंगे। दोनों में से कोई सा भी एक इंस्टॉल कर सकते हो, विनरार या फिर 7-Zip, गूगल पे सिंपली सर्च करोगे मिल जाएगा, और वहाँ से एक या दो स्टेप में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। सो हमारा ये मोड हमारा डाउनलोड हो गया था, ये मैंने ओपन किया है। इसके अंदर एक रेडमी फाइल है, XML फाइल है और कुछ स्क्रीन शॉट्स है, ठीक है। तो हमको सिर्फ XML फाइल है वो अपने GT5 की मेन डायरेक्टरी के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। कहाँ करना है वो बताता हूँ मैं। उसके लिए मैंने माई कंप्यूटर खोल लिया, मतलब दिस पीसी खोल लिया, इपिक स्ट्रीम और रॉकस्टार इन लोगों के जो पाथ है वो मैं बता दूंगा, करेक्ट वाले भी बता दूँ। वैसे डिफॉल्ट सी में ही इंस्टॉल होता है, अगर आपने कहीं इंस्टॉल करा है तो आपका पाथ दूसरा होगा, तो किसी और ड्राइव में, ठीक है। तो सी ड्राइव मैंने ओपन कर लिया, इसके अंदर मेरे को मिलेगा प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर इपिक का भी होता है, स्ट्रीम का भी होता है, रॉकस्टार का भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है इपिक गेम्स, मेरा इपिक गेम्स से है, तो मेरा इपिक गेम्स का एक फोल्डर है, जिनका स्ट्रीम से उनका स्ट्रीम नाम का फोल्डर होगा। उसके अंदर स्ट्रीम एप्स के नाम के फोल्डर के अंदर तुमको GT5 का जो मेन डायरेक्टरी वो मिल जाएगी, और रॉकस्टार वालों की रॉकस्टार फोल्डर के अंदर, या फिर GTA 5 या फिर ग्रैंड थी फोटो 5 के नाम से हो जाएगी, ठीक है। सो मेरा ये मैंने ओपन कर लिया मेरी GTA 5 की मेन डायरेक्टरी। अब इसके अंदर मेरे को ओपन करना है मेन्यू स्टफ नाम का फोल्डर, ये डिफॉल्ट नहीं रहता है, जिन लोगों ने मोड अभी तक नहीं डाला, एक भी कोई सा भी मोड नहीं किया GT 5 को, तो तुमको ये वाला फोल्डर नहीं मिलेगा, ये मेन्यू डालने पे आएगा मोड करने पे, ठीक है। अब इसके अंदर जाने के बाद मुझे स्पूनर में जाना है। स्पूनर में जाने के बाद तुमको यहाँ पे दिख रही XML फाइल ऑलरेडी मैंने डाल रखी है, तो उसको मैं कॉपी पेस्ट करके वापस से बता रहा हूँ, इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा मैंने इंस्टॉल कर लिया। इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस बस इतनी सी ही थी भाई, ठीक है। ये इंस्टॉल हो चुका है, अपना गेम लॉन्च करता हूँ, मैं तुमको लोड करके बताता हूँ इसको कैसे लोड करना है अपने GT 5 के अंदर, ठीक है। ओके सो मेरा भाई गेम स्टार्ट हो रहा, और जिसको भी किसी मोड में कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, इंस्टाग्राम पे DM कर दो, ठीक है। मैं उसको रिसॉल्व करने का पूरा पूरा अपनी तरफ से ट्राई करूँगा, और अगर आपको हेल्प मिल पा रही हो अपने मेरे वीडियोस के थ्रू, अगर मोड्स कर पा रहे हो, GT 5 को काफ़ी इन्जॉय कर पा रहे हो, तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके गाइस, हम हमारे GT 5 के अंदर एंटर हो चुके हैं। अब भाई यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले बारिश रोकना भाई, तो एक काम करता हूँ मैं मेन्यू ओपन करता हूँ, और ये जो भाई वेदर है चेंज कर लेते, ठीक है। वेदर ये आ गए, वेदर का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे ऐसा नहीं कर लिया हमने, ठीक है। अब भाई अगर जिन लोगों को मेन्यू ओपन करना, जिन लोगों ने पहली बार मोड किया, वैसे तो मैंने मेरे वीडियोस में बता रखा है, ठीक है। PC वालों को दो बार एफ8 दबाना है, और जिनका लैपटॉप उनका FN+F8 दो बार दबाना है, ठीक है। उसके बाद में तुमको क्या करना है, सबसे लास्ट थर्ड नंबर पर तुमको मिलेगा ऑब्जेक्ट स्पूनर का, उसके अंदर जाना। उसके अंदर जाने के बाद तुमको लास्ट फोर्थ नंबर पर मिलेगा मैनेज सेव्ड फाइल, ठीक है। इसके अंदर जाने के बाद तुमको लास्ट में दिख रहा है ट्रेवर बिजनेस, जो हमने डाली है ट्रेवर बिजनेस .XML फाइल, ठीक है। इसके सेकंड नंबर पे आके लोड प्लेसमेंट करोगे तो प्लेसमेंट अपना पूरा लोड हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, लोडिंग लेने के बाद ये प्रॉपरली पूरा जो सीनेरियो है वो क्रिएट कर देगा, और तगड़ा सा बढ़िया सीनेरियो मिल जाएगा। उसको यूज़ करके तो अपनी बढ़िया से स्टोरी बनाओ, काफ़ी मजे करो। ओके सो हमारा भाई ये सीनेरियो पूरा लोड हो चुका है, तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारे मिलिट्री के बंदे है, यहाँ पे भाई अपनी कॉप्स की व्हीकल्स भी है, ठीक है। ये पूरा बिजनेस है भाई अपना, सेटअप हो रखा है। ओके वेट, ओके सो ये इसका बैक साइड है, साइड साइड है, ये जो सामने दिख रही है लिकर शॉप है, ठीक है। लिकर शॉप से उसके एंट्रेंस है, और उसके ऊपर जो भी है सारी चीज़ें होगी, ठीक है। सो हम यहाँ से एंट्रेंस करके बताता हूँ तुमको एक बार, यहाँ पे तुम एक बार पहले यहाँ से चेकआउट कर लो, ठीक है। मैं अपनी गन रख लेता हूँ अंदर, ठीक है। यहाँ पे भाई एक बंदा ऊपर रूफ पे खड़ा है, हमारा एक वेयर हाउस है, ठीक है। और यहाँ पे भाई एक और बंदा खड़ा है, ये अंदर भाई एंट्री वगैरह के लिए खड़ा है, कि देख चेक करने के लिए। यहाँ पे भी खड़े हुए, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है दो दो तीन तीन, यहाँ पे हमारे ट्रक्स खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर सारा जो भी है अपना प्रोडक्शन का जो भी है वो तो सारा इसके अंदर जाता है। और भाई यहाँ पे टैंकर, भाई यहाँ पे बहुत कंजेस्टेड जगह, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रख रखी है इस बंदे ने,
ठीक है, यहाँ पे भी दो तीन व्हीकल्स उनको मिल जाएंगे, एक पीछे ट्रक मिल जाएगा। ओके सो मैं काम करता हूँ, यहाँ से फ्रंट साइड से इसकी शॉप से ऊपर तुमको एंटर करके बताता हूँ, पूरा अंदर प्रॉपरली सेटअप कर रखा बंदे ने, ठीक है। सो यहाँ पे फ्रंट साइड से तो भाई तुमको एक नॉर्मल लिकर शॉप दिखेगी, ठीक है, बट इसके अंदर जाके ऊपर की साइड तुमको पूरा सिनेरियो दिख जाएगा कि भाई क्या क्या पूरा प्रॉपरली सेटअप कर रखा बंदे ने, ठीक है। सो भाई ट्रेवर ने भाई बहुत ही तगड़ा बिजनेस कर रखा है भाई, ये माइकल और फ्रैंकलिन को पता नहीं है अभी तक, उनको पता पड़ेगा तो पता नहीं क्या होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में एक छोटा सा सीनियर मैंने तुमको बताया था, तुमको देख के समझ में आ गया होगा कि क्या सीन था, ठीक है भाई। इसको थोड़ा सा ग्लिच है भाई इसके गेट वेट में। ओके सो यहाँ पे तुमको भाई दिख रहा है, यहाँ पे प्रॉपरली भाई पूरा उसने सेटअप कर रखा है, यहाँ पे सारे कैमरे वगैरह लगा रखे, सिस्टम उसका अरेंजमेंट है, यहाँ पे सारी ओके भाई पूरा प्रॉपरली सेटअप है भाई, तुमको दिख रहा है भाई तगड़ा सा पूरा बना रखा है। तो भाई तुम भी इसको सेटअप वगैरह इंस्टॉल करो, काफ़ी बढ़िया से स्टोरी बनाओ और मेरे को कमेंट में पिन करना तुम्हारी लिंक, जब तुम अपनी कोई सी भी स्टोरी बना के यूट्यूब पे पोस्ट करो तो, ठीक है। सो भाई काफ़ी सारे लोग स्टोरी बनाना चाहते हैं, टेक्नो गेमर्स और अदर जो क्रिएटर्स उनके जैसी, तो तुम भी अपनी GTA 5 की स्टोरी बना सकते हो भाई, इनको यूज़ करके काफ़ी तगड़ी और काफ़ी बढ़िया स्टोरी बनेगी, ठीक है। यहाँ पे भाई बैक साइड है, यहाँ पे रूफ है, यहाँ पे से नीचे उतरने का तुमको दिख रहा है, ये पूरा यहाँ पे सिनेरियो, यहाँ पे भी भाई गार्ड्स वगैरह खड़े हुए, काफ़ी तगड़ा सा है भाई। ओके ओके सो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि तुमको सारे अपकमिंग वीडियोस टाइम पे मिल जाए। ओके सो इस वीडियो के लिए इतना ही, ये फटाफट मोड इंस्टॉल करो, अपनी खुद की स्टोरी बनाओ, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।